नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वृक्षारोपण एक कदम प्रकृति की ओर कार्यक्रम के तहत समाजसेवी अभिषेक वर्मा ने गृह जनपद सुल्तानपुर में पौधे लगाते हुए पौधारोपण पखवाड़े की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके सहयोगी अंकुर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में वृक्षारोपण पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है, जो कि इस वर्ष मानसून तक चलेगा। इसके अंदर अधिकाधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसके अंतर्गत कल भी पौधे लगाए गए थे एवं आज भी एक बड़े स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि एक कदम प्रकृति की ओर के साथ हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा होती रहे। केवल इतना ही नहीं, देश के जाने माने हास्य कलाकार अनु अवस्थी कानपुर वाले एवं संदीप यादव ने लोगों का आह्वान किया कि वह इसके संरक्षण के लिए आगे आए तथा और प्रयास करें। हम सभी को पौधारोपण करने के साथ इन्हें सुरक्षित भी करना होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ यश चरोसिया और हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा, जो कि सुल्तानपुर से हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है वृक्षारोपण की। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप बहुत भारी संख्या में वृक्ष लगाएं, जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, बेल, कदम, नाना प्रकार के पेड़ आप लगाएं। हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और वो लगातार देश हित में वृक्षारोपण कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले। अभी कोरोना महामारी पर आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई थी, तो हमारे अभिषेक भाई को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं छोटा हूँ, बट मतलब इतना बड़ा भी नहीं कि मैं उनको आशीर्वाद दूँ, बट एक प्रकार का आशीर्वाद है मेरा कि वो अपनी मुहिम में सफल हों। और उन्हीं की मुहिम द्वारा मैंने भी आज वृक्षारोपण किया है। मैंने बेल वृक्ष लगाया हुआ है। देखिए, बेल वृक्ष हमारे शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय है और शिव जी का प्रिय वृक्ष है। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप भी वृक्ष लगाएं, कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाएं और लोगों को भी कहें कि वो भी वृक्ष लगाएं। धन्यवाद। खासकर अभिषेक वर्मा भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी मुहिम में मुझे अपना सहभागी बनाया। शुक्रिया। कानपुर से बोल रहे हैं अनु अवस्थी, पहचान तो गए हुई हो। हमारे छोटे भाई अभिषेक वर्मा एक बहुत बढ़िया काम चालू करें ने, पेड़ लगाए का। गुरु अपने लिए तो सब कोई करता है, जो समाज के लिए करता है वही असली बाजीगर होता है। तो अभिषेक, हम और हमारे छोटा भाई जेका तुम संदीप यादव नाम से जानत हो और मशहूर ही हैं पप्पू पांडे के नाम से, तो हम लोग तुमरे साथ तन मन धन और गन से हैं। खूब पेड़ लगाओ और तुम ना चाहिए तो वही मत चिड़िया ना बैठी। अच्छा काम है यार, मौत न करो, जहाँ ज़रूरत हो बताओ, हम लोग अबे। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अभिषेक वर्मा जी ने जो ये पहल शुरू की है, इसी क्षेत्र में हम लोग भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया एक पेड़ ज़रूर लगाएं, पर्यावरण की दिशा में आप भी अपना अमूल्य सहयोग करें। अभिषेक की देखी देखा हो ही सके तो तुम्हारू पंचे एक एक पेड़ लगा दो। का है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वर्मा सुल्तानपुर से, युवा समाज सेवी। मित्रों, मैंने अभी वृक्षारोपण महाअभियान का एक कार्यक्रम चलाया है। एक महाअभियान का संकल्प हमने लिया है, जो पूरे प्रदेश और विभिन्न राज्यों में, पूरे प्रदेशों में, विभिन्न जनपदों में करने का हमने निर्णय लिया है। मित्रों, इसके पीछे का एक मूल उद्देश्य ये है कि इस कोविड के दौरान, इस कोविड महामारी के दौरान हमने बहुत से ऐसे लोगों को खोया है जो समाज के स्तंभ रहे, पत्रकार रहे, जाने माने वैज्ञानिक रहे, डॉक्टर रहे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। जिसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया वो ऑक्सीजन था। इसके कारण मित्रों हमने एक बड़ी मुहिम चलाई है, जिसमें हमें अधिक संख्या में लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें व्यवसायी वर्ग भी सपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग भी सपोर्ट कर रहे हैं और पत्रकार वर्ग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समाज सेवी व्यक्ति हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें सेलिब्रिटी भी सपोर्ट कर रहे हैं।
मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, ये एक छोटा सा मुहिम जो हमने चलाया है पूरे प्रदेश में, विभिन्न विभिन्न जनपदों में, घरों में हर व्यक्ति एक वृक्ष कम से कम जरूर लगाए। इससे आने वाले समय में खुदा न खास्ता अगर ऐसी समस्या कभी फिर बनती है तो हम पहले से तैयार रहेंगे। धन्यवाद। ये तस्वीरें हैं बिजनौर के चंपा देवी इलाके की, जहां पर मनोज सैनी का गरीब परिवार रहता है। मनोज सैनी के 3 बच्चे हैं। साल भर पहले मनोज की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। कोविड-19 वैश्विक महामारी में लगे कोरोना कर्फ्यू से बुरी तरह टूट गया था। इधर मनोज का बड़ा भाई प्रवीण पिछले 1 साल से गैंग्रीन नाम की बीमारी से जूझ रहा है। प्रवीण की माने तो भाई का कारोबार खत्म होने की वजह से मनोज के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसके चलते मनोज को कोई उधार पैसे भी नहीं दे रहा था। इसकी वजह से भाई ने सोचा कि भाई का इलाज भी हो जाएगा, साथ ही कारोबार हो जाएगा। इसे लेकर पिता ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपने दोस्त को लाखों रुपये में बेच दिया। मनोज ने एक नई ई रिक्शा बच्चे को बेचने से आए पैसे से खरीद ली, जो इस वक्त पुलिस ने थाने में खड़ी कर रखी है। इधर जैसे ही पुलिस प्रशासन के अफसरों को मीडिया के माध्यम से इस खबर की सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह के मुताबिक मनोज सैनी नाम के पिता ने अपने 4 साल का बच्चा अपने दोस्त विजय पाल को गोद दे दिया था, लेकिन गोद देने की कागजी प्रक्रिया व लोक लाज के डर से बच्चे को बच्चे के पिता को सौंप दिया गया है। साथ ही बच्चा बेचने की बात को SP बेबुनियाद बता रहे हैं। अच्छा, क्या मामला था बच्चे? मामला ये था सरकार, अब ये हमारे हो गए तो मुझे होली से ही पड़े पड़े अब पड़े पड़े मैं ये भाई साहब बोल रहे हमारे भाई पैसा तो है नहीं और इसमें लगेगा पैसा, अब किसी से मांगने जाओगे तो कोई पैसा नहीं देगा। अब भैया ये लोन भैया काम करो, हमारे कोई रिश्तेदार है गाँव में, कह रहे हैं वो मोहल्ले जो लूट बैठने लगे, बोला यार मेरे बच्चा नहीं है, लौंडा नहीं है, तू ये लौंडा हमें दे दे। तो उन्हें भाई मेरा इलाज भी हो जाएगा और अपना वो मेट्रो ले लगा अपने चला लगा रहा, मजदूरी हो जाएगी। भैया उसका ये हुआ देने का बस यहाँ लोग आए तो अच्छा, तो और कोई बात ऐसी आपने लिखित में दिया वो गोद? बस लिखित में देना ही पड़ता, देखो जब हम जब वो 1 लाख रुपया दे दिया, अगर 20-80 दे दिया या 50 दे दिया, लिखित में तो फिर देना ही पड़ेगा। कितने पैसे दिए थे उन्होंने? पैसा का तो खैर मुझे नहीं पता जी, मगर ये है उनको उसे ही पता था। अच्छा, तो बच्चा अब कहाँ है, आपके पास है या? हाँ नहीं है। अच्छा, वो छोड़ गए? हाँ। अच्छा, ठीक। धामपुर कस्बे के चंपा देवी मोहल्ले के मनोज सैनी को 3 बच्चे हैं, बच्चों की माँ नहीं है। छोटा बच्चा जो 2.5 साल का है, उन्होंने अपने दोस्त विजय पाल को, जो नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने गोद में दिया था। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, लोगों के ताना के डर से सामाजिक प्रताड़ना देख करके उन्होंने बच्चे को वापस बुला लिया है। गोदनामे की जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक बच्चा उनके पास ही है, बच्चा खुश है। बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद और गलत है। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, दोनों की सहमति के बिना कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करेंगे दोनों। आजमगढ़ के लालगंज ब्लॉक प्रमुख उद्धव सिंह उर्फ सोनू ने एक साक्षात्कार में यह बताया कि वह लोगों के बीच समर्पित सेवा सद्भाव से जनता की समस्याओं का निस्तारण करते आए हैं, जिसका परिणाम उन्हें पूरे लालगंज विकास खंड में नजर आ रहा है। वही अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त दिखे। इस बीच उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। लालगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उद्धव सिंह उर्फ सोनू हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं। हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो लालगंज ब्लॉक की जो सियासत है, इस बार सुरक्षित सीट होने के बावजूद भी कयासों का दौर ये है कि आप किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं और लोगों का ये मानना है कि आपकी दक्षता का यहाँ पर जो है इम्तहान लिया जा रहा है, आपको निर्विरोध होने से एक प्रकार से रोकने की कोशिश है, क्या कहना होगा आपका? नहीं देखिए, हमें तो जनता का हर निर्णय मंजूर है। मैं यह मानता हूं कि 5 साल जो मैंने काम किया है, वर्क किया है, लोगों के बीच में मैं रहा हूं, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, मैंने सबको समान रूप से अपने साथ रखा। जो भी उनकी परेशानियां रही क्षेत्र में, जो भी काम रहा, हमने 92 हमारे जो है कि ग्राम प्रधान है और 101 BDC है। मैं अपने आप को सारे लोगों का सेवक समझ के मैंने 5 साल कार्य किया है। आज इसी का देन है कि लोग आज बड़ी संख्या में जातिवाद से दूर, चाहे वह यादव हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह पासी हो, चाहे वह
किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सारे लोग मेरे साथ हैं। तो जब लोग साथ रहते हैं तो आपकी एक इच्छा बढ़ती है कि भाई दोबारा भी सेवा किया जाए। ऐसे में हमारी सीट पहले सामान्य हुई, बाद में सुरक्षित हो गई। तो सुरक्षित सीट पे हमने अपना एक उम्मीदवार लड़ाया और वह लड़ाने का कारण सिर्फ इतना रहा कि मैं लोगों के बीच में जो रहा तो उस उम्मीदवार को लड़ा के मैं लोगों की और भी जो मेरे नए क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए हैं, नए प्रधान भाई जीते हुए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और क्षेत्र में फिर उस तरीके का विकास करना चाहता हूँ जिसके द्वारा सारी चीज़ें सारे लोग मुझसे जुड़े रहे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज़ें जो विरोधी हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम किसी को चुनाव लड़ने से तो रोक नहीं सकते। तो अब जनमानस इस तरीके का है, देखिए आप स्वयं कह रहे हैं कि आपको निर्विरोध होने से रोका जा रहा है, तो जब मीडिया यह बात करने लगती है तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम हमारा जनमानस उस स्तर का तो है कि आप और आम पब्लिक यह बात बोल रही है कि हाँ सोनू सिंह को निर्विरोध होने से रोका जा रहा है। तो अब इसी हिसाब से समझ लीजिए कि हमारी क्या पब्लिसिटी हुई होगी या मैंने लोगों के बीच में 5 साल जो रह के कार्य किया है वो किस स्तर का है कि सारे लोग, आज चाहे वह यादव मतदाता हो, चाहे ठाकुर मतदाता हो, चाहे हरजन मतदाता हो, चाहे पासी मतदाता हो, चाहे चौहान, यानी सर्व समाज के लोग मेरे साथ। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को, और आप देखिए जब आप जनता के बीच में उतर गए और जब आपने अपना धर्म सेवा धर्म बना लिया है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि आप किस गांव में। मेरे जवान पे मेरे 92 गांव जितने भी प्रधान हैं, जितने भी डीसी सदस्य हैं, मेरे हाथ के उंगली के मतलब इतना मुझे याद हो गया है। मैं इतना लोगों से मिल चुका हूँ और इतना सारे गांव में मैं जा चुका हूँ कि मुझे एक साइड से लेके वहाँ साइड इतना छोटा सा लगता है, मुझे ज़रा भी नहीं लगता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इतना रन किया हूँ हर व्यक्ति के सुख में दुख में, चाहे वह प्रधान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पूर्व बीडीसी हो, हर व्यक्ति के सुख दुख में आना जाना इस तरीके का मेरा हो चुका है कि मेरे जितने ये 92 गांव आते हैं वो मुझे अपना एकदम अपना ही गाँव लगता है। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि हर गाँव तक मेरी पहुँच है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के 10-20-50 लोगों को मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, वहां से कनेक्ट में नहीं हूं, उस गांव के लोग मुझसे कनेक्ट में नहीं है। तो एक परिवार की तरह मैंने अपने ब्लॉक को समझा और एक परिवार की तरह मैंने ब्लॉक को लेके चला। और मैं अपने एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर आपसे कि आपने अपने बयान में कहा कि लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना, मेरा हमेशा का समय इन्हीं में गुजरा है। सेवा समर्पण सद्भाव की बात आपकी बातों से लग रही है, ये आगे तक जनमानस को ये संदेश जाए आपके माध्यम से, ये आगे तक कारवा कब तक चलेगा? अब देखिए ईश्वर हैं इस चीज़ के बारे में, तो जब तक समाज है, जब तक मैं हूँ, मैं तो यही कोशिश करूँगा क्योंकि ये जो चीज़ है, जो कारवा है, ये कारवा नहीं है। सब व्यक्ति राजनीतिक जीवन जीना इतना आसान कार्य नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, व्यक्तिगत लाइफ ख़त्म हो जाती है, आप अपनी लाइफ को समाज के लिए दे देते हैं। तो जब तक समाज चाहेगा और जब तक मेरे 5 जून को पूरे प्रदेश भर में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति के प्रति जन जागरूकता के अभियान में लगे रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को भी बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी क्रम में महाराजगंज ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से केक काटकर उनका जन्मदिन मनाते हुए उन्हें दीर्घायु होने की प्रार्थना की। यहाँ बता दें कि जन्मदिन मनाने के लिए ओम साई मैरिज हॉल में कार्यक्रम रखा गया जिसमें क्षेत्र के सभी बड़े छोटे बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश गुप्ता, गुलाब सिंह, विवेक सिंह, सच्चा सिंह, मनीष सिंह आदि बड़े नेताओं के साथ साथ महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के रूप में टिकट के दावेदार माता प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हुए प्रदेश के विकास में हुए कार्यों की सराहना की, तो ही माता प्रसाद यादव ने उनके नेतृत्व में नागरिकों व कार्यकर्ताओं के सम्मान में विकास पथ प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आभार व्यक्त किया। आदित्यनाथ परम पूज्य हम लोगों के मुख्यमंत्री जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज हम सब केक काट करके पूज्य योगी जी का आज जन्मदिन मना रहे हैं तथा निष्ठान वितरण हो रहा है। आज पर्यावरण दिवस भी है, पौधारोपण भी किया गया और हम लोगों के बीच में एक माता प्रसाद यादव जो यहाँ ब्लॉक प्रमुख पद के भावी उम्मीदवार हैं, यह भी उपस्थित हुए हैं और यह भी केक काट करके
योगी आदित्यनाथ जी का जो है आज परम पूज्य आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के महाराज ब्लॉक के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और सभी सम्मानित लोग उपस्थित होकर के माननीय योगी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन लेकर मना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन ताड़ा के निर्देश पर आज से जनपद बलिया के नगरा और रसड़ा पुलिस ने अपनी अलग अलग कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अपराधी 15,000 के इनामी भी हैं। आपको बता दें कि थाना नगरा जनपद बलिया द्वारा एक अद्य तमंचा, एक जिंदा कारतूस के साथ 15,000 के वांछित इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं नगरा पुलिस ने भी अपनी दूसरी कार्रवाई में तमंचा कारतूस के साथ पॉक्सो एक्ट के वांछित 15,000 रुपये इनामिया को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना रसड़ा पुलिस ने भी पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन दाड़ा के निर्देश पर नाबालिग लड़के को बैलासस लाकर ले जाने से संबंधित मुकदमे के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपनी बड़ी कार्रवाई हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधों अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसमें थाना गंभीरपुर पुलिस ने नाजायज़ गांजा व फर्जी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल के साथ जहां एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो सिधारी की पुलिस ने भी नाजायज़ गांजा व अवैध कट्टा व चोरी के मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर जियनपुर पुलिस की, तो जियनपुर पुलिस ने भी एक अजय तमंचा 315 बोर व एक अजय जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। तो वही जियनपुर ही पुलिस ने छपरा सुल्तानपुर रोड जाम का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जहानागंज पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 3 कुंतल गोमांस व एक अजय तराजू, बाट, चाकू, कुल्हाड़ी, दाव सहित लकड़ी का ठिया सहित बरामद कर 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 41 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। वाली क्षेत्र से खबर है, जहां महावतगढ़ चकिया में आम के विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हो गया। आज इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जब एक पक्ष द्वारा जिनपुर कोतवाली में छेड़खानी करने की तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और तहरीर पर मुकदमा बलवा के तहत दर्ज कर लिया गया है। जबकि एक माह पूर्व भी चुनावी रंजिश में मारपीट हुई थी, हो सकता है कि चुनावी रंजिश को दूसरा रूप दिया जा रहा है। वही महावतगढ़ चकिया गाँव निवासी बालकृष्ण चौहान पुत्र रामदेव चौहान के आम का पेड़ है, जिसमें गाँव के ही संतलाल शर्मा के पुत्र आम तोड़ रहा था कि बालकिशन की पोतरी ने आम तोड़ने से मना किया, जिसको लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि बालकिशन चौहान एवं रामाज्ञा चौहान पुत्र स्वरूप चौहान संतलाल के घर पर चढ़कर मारने पीटने लगे, जिसमें बीच बचाव में संतलाल शर्मा द्वारा बालकिशन चौहान पर चाकू से हमला किया गया है। इसमें बालकिशन बुरी तरह से घायल हो गए। संबंध में जैनपुर कोतवाली हिमेंद्र सिंह ने बताया कि चौहान पक्ष से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। हमारा नाम छोटेलाल चौहान है, हमारे पिता का नाम रामाज्ञा चौहान है। कौन सा थाना? थाना जियनपुर, महावतगढ़ चकिया। क्या घटना हुई? यह हुआ कि वो मंदिर एक है, हमारे बड़े दादा लगते हैं उनके यहाँ मंदिर है, वहाँ लोग बहुत लड़के बैठते हैं, बदतमीजी करते हैं लोग, और वहाँ जवान जवान लड़कियाँ हैं, उन लोग को वो बहुत नाप सनाप बोलते हैं लोग। तो वही एक दिन, मतलब 2 दिन पहले, मतलब पूछा गया उन लड़कों से, आज पूछने के लिए मीटिंग, मतलब क्या पंचायत जुट रही थी, तो हम लोग कहें चलो उसके घर पूछा जाए। तो हमारे बड़के दादा और हमारे पिता श्री गए पूछने के लिए, तो वो लोग पहले से तैयार थे, मतलब हथियार लेके धारीदार, और पेट में 2-3 चक्कर मार दिए लोग। और हम गए, हम सोचे कि कुछ भी नहीं हो रहा, पीछे थे हम लोग, तो जब हमारे डैडी को, मतलब उनको जब चाकू मार दिए तो लोग लेके आ रहे थे उठा के, तो जब हम देखें कि चाकू ले गए, तो मतलब सोचे कि ज़्यादा लग रहा है, लफड़ा हो गया है। तो हम गए तो देख रहे थे हमारे पिता श्री को लोग खेर के मार रहे थे, तो हमको बचाने के चक्कर में हमको भी लोग मार दिए उसमें। थाने पे गए थे आप? जी, थाने पे गए थे। क्या कहेंगे? थाने पे 2 घंटे तक तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन 2 घंटे के बाद बहुत कहीं से फ़ोन होने आया है, तो लोग लिखे हैं। जी, तो क्या अब हिम्मतगढ़ से कहाँ गए? आजमगढ़ से अभी आजमगढ़ गए हैं लोग। जी, रिफ़र कर दिए हैं लोग।
परिचय बताइए अपना। शमशेर चौहान, ग्राम महावतगढ़ चकिया, जीनपुर। क्या घटना हुई है? घटना तो यही हुई कि एक बच्ची थी और वो बच्ची 8 साल की थी और वो लड़का एक 18 साल का लड़का वो आम मार रहा था। उसका बोला लगल कि कहाँ आम मारते हैं, तो कहते इसी तरह से प्यार मोहब्बत करोगी हमसे। दूसर की बात की इसके बाद वो लोग पूछे तो सुबह के हुआ कि आदमी को बटोर दीजिए मंदिर पर, तो सब घर नहीं वहाँ मंदिर पर नहीं आए, तो मंदिर पर नहीं आए तो चलिए भाई पूछ लीजिए उनके घर जाकर कि क्यों नहीं मंदिर पर आ पाए, और ऐसी सी बात है। और गया तुरंत वो चाकू तुरंत मार दिया और इनको एक जाने के मार दिया, लाठी से कपार फट गया और ईंटा से मार दिए सर। और यही बात तो है। और उन सब का दबंग ही था बहुत कष्ट के। थाने पे आप लोग गए थे? थाने पे हम लोग गए थे। वहाँ तो वही अभी FIR नहीं हुआ था तो दरखास्त वरखास्त ले लिए हैं, अब यहाँ से जाएंगे तभी तो FIR होगी। अजमतगढ़ लेके आए अपने मरीज को, यहाँ से कहाँ भेजा? यहाँ से आजमगढ़ भेजे हैं रिफर कर सदर के लिए। हालत कैसी है अभी? अभी तो हालत उनकी गंभीर है, लात में निकल गया उनका, बाहर रह गया है। द मीडिएटर इन्फो मीडिया ABCD एवं MBCD की प्रकाशन संस्था द मीडिएटर द्वारा अपने सामाजिक सरोकार के तहत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस पर आजमगढ़ मऊ में चिन्हित जगहों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान अंकित किया। कार्यक्रम की शुरुआत आजमगढ़ में डुगडुगबा सिधारी हाल्ट पर रेलवे लाइन के किनारे एवं संस्था की मऊ इकाई द्वारा जनपद के गायघाट पर नीम, पीपल एवं पाकड़ लगाकर एक साथ वृक्षारोपण कर किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक प्रबंधक संजय राही ने कहा कि संस्था द्वारा 18 वर्ष पूर्व 2003 में आज ही के दिन महिला अस्पताल के बिल्डिंग के दोनों तरफ दो पेड़ लगाकर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए प्रत्येक वर्ष 5 जून को वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। संस्था का उद्देश्य दो ही पेड़ लगे मगर शर्त है कि वह बढ़े, और शायद इसी सोच का परिणाम रहा कि महिला अस्पताल में लगे दोनों पौधे आज अपनी छाया से मरीजों एवं उनके परिजनों को अपनी अहमियत बता रहे हैं। संस्था द्वारा स्थान चयनित कर पौधा लगाया जाता है, इससे उसकी रक्षा हो सके तथा वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत COVID-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकासखंड फूलपुर में गोरखपुर से शाहगंज मार्ग पर ग्राम पंचायत गोबराहा में नोडल अधिकारी फूलपुर आजमगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत में मेन रोड व नाली की साफ सफाई एवं कूड़े का निस्तारण सफाई कर्मचारियों के माध्यम से करवाया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न गांव ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। वर्षों से चली आ रही पौधारोपण परंपरा में तमसा योगी सुनील राय और उनकी पत्नी धर्मपत्नी संध्या राय की शादी की 54वां सालगिरह पर तमसा परिवार के साथ भवरनाथ पोखरे पर सामूहिक रूप से पौधारोपण किया गया। शादी की सालगिरह या अन्य किसी विशेष उत्सव के अवसर पर पौधारोपण की परंपरा में पौधारोपण होते रहना प्रकृति व पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। तमसा परिवार के अरविंद चित्रांश ने कहा कि तमसा योगी सुनील राय और उनकी धर्मपत्नी संध्या राय के प्रेम और विश्वास की कमाई है। भगवान करे आप दोनों सदा खुश रहें, आदर सम्मान और प्रेम प्रतिष्ठा जीवन में बनी रहे, आपका रिश्ता ऐसे माँ के जैसे हर दिन हो। पौधारोपण का त्यौहार पौधारोपण परंपरा के शुभ अवसर पर पौधारोपण करते हुए तमसा योगी सुनील राय और उनकी धर्मपत्नी संध्या राय के साथ बड़े भाई सुधीर राय, शिक्षक अमित राय, नेहा राय, तमसा परिवार के अरविंद चित्रान, शिक्षक भास्कर राय, शुभम श्रीवास्तव, प्रमोद राय, नंदलाल गुप्ता, शिल्पा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ की अतरौलिया पंचायत उपचुनाव में विकासखंड अतरौलिया में TS यादव की देखरेख में ग्राम पंचायत सदस्य तथा अन्य रिक्त पदों हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत 514 ग्राम पंचायत सदस्यों तथा 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य की रिक्त सीटों के लिए नामांकन शुरू हुआ है। इस मौके पर ROTS यादव ने बताया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 2 रिक्त हुई सीटों के लिए तथा ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु जरूरी कागजात जिसमें शिक्षा तथा संपत्ति विवरण के कागजात संलग्न किए जा रहे हैं, शुल्क के रूप में सामान्य सदस्यों के लिए 500 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2000 शुल्क तथा महिला पिछड़ी अनुसूचित जाति के लिए आधा शुल्क जमा हो रहा है, जिसमें क्षेत्र पंचायत के लिए 4 और ग्राम पंचायत सदस्य के 514 सीटों में अभी तक 365 लोगों ने पर्चा भरा है। मौके पर प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात थी। खंड विकास कार्यालय के प्रांगण को खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद के निर्देश पर ADO पंचायत बाबूराम यादव द्वारा ब्लॉक परिसर को सैनिटाइज कराकर ही नामांकन की प्रक्रिया चालू की गई। आइए सुनाते हैं कि ROTS यादव और ADO पंचायत बाबूराम यादव ने क्या कुछ कहा। नामांकन के बारे में 2 पद जो है BDC का खाली था और
514 ग्राम पंचायत सदस्यों का। इसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, कर्मचारियों को लगाया गया है, काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। कितने कर्मचारी और कितने काउंटर बनाए गए? काउंटर 4 बने हैं और हर काउंटर पर 1 ARO और 2 उनके सहयोगी, 1 सचिव माने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और 1 सफाई कर्मचारी। देखिए सर, प्रक्रिया के क्या है, कुछ नामकरण की प्रक्रिया की क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या शुल्क लगेंगे? इसमें डॉक्यूमेंट्स वही लगना है जो आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, बाकी तो जमानत धनराशि है और तो कोई वैसी बात नहीं है। फोटो वोटो सब जो लगना है सब। सर आपका TS यादव। सर आज ब्लॉक अतरोलिया में नामकरण हो रहा है, कितने BDC और कितने सदस्य लोग कैसे बढ़े? 2 BDC हैं और 514 ग्राम सभा सदस्य हैं। ग्राम सभा सदस्य क्या शुल्क लग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है इसके बारे में? इसमें डॉक्यूमेंट शिक्षा का लग रहा है और प्रॉपर्टी का जो कितनी धन दौलत है उसका भी शपथ पत्र देना पड़ रहा है। शुल्क क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? सामान्य लोगों के लिए ग्राम सभा के लिए है 500 रुपये और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2000 है और जो महिला पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के हैं उनका आधा है। अब तक कितने तक का नामकरण हो गया होगा लगभग? अभी हर बूथ का काउंटर का अलग अलग है, उसकी कंप्लीट जानकारी नहीं है। और ये खबर रामपुर से है जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे नियंत्रण हेतु अभियान के तहत शाहबाद पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान ढकिया चौकी क्षेत्र के गहने चौराहे से 1 व्यक्ति को तथा बड़ा गाँव चौराहे से 1 व्यक्ति को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। जनपद संभल में पुलिस की ट्रक लूटने वाले गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश कादिर पुलिस की गोली से घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य कई बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही सागर के भी गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से कल रात मुरादाबाद में लाखों की कीमत के सरसों के तेल के कनस्तरों से लदा लूटा गया आयसर टेंडर भी बरामद कर लिया है। SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि संभल पुलिस को सूचना मिली थी कि कल रात मुरादाबाद के पाकवाड़ा थाना इलाके के हाईवे से बोलेरो कार में सवार बदमाशों ने सेल टैक्स अधिकारी बनकर 26 लाख की कीमत का सरसों के तेल के कनस्तरों से लदा आयसर टैंकर लूट लिया है। सूचना मिलने के बाद रात से ही जिले की नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की कर दी गई थी। आज असमोली थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने आयसर कैंटर को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया तो कैंटर में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश ट्रक लूटने वाले गिरोह का साथी बदमाश कादिर बताया जा रहा है। पुलिस फरार हुए बदमाश से बाकी बदमाशों की तलाश में जंगल में काम भी कर रही है। घायल बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है।